जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी अपना एग्जाम डेट घोषित करने जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी का CBT 1 का जो पेपर है वो पूरा समाप्त हो गया, यानी फेज 7 तक एग्जाम जो है समाप्त हो गया है। उसमें यह कहा गया है कि अगस्त के पहले वीक के बाद, यानी अगस्त के पहले सप्ताह के बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाएगा। तो इतना आप कन्फर्म रहिए कि जो इसका एग्जाम है वो अगस्त में ही होगा, यानी CBT 1 का एग्जाम होगा वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा ये नहीं दिया है, लेकिन अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना तैयारी रेडी रखिए। अब ये मत देखिएगा कि इसका पेपर कब होगा, समझ लीजिए कि अगस्त में इसका पेपर जरूर होगा। और इसमें यह भी लिखा गया है CBT 1 के लिए कि जो CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसका आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपका जो पेपर है 10 तारीख को, तो 6 को आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। इतना ध्यान दीजिएगा, 4 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड निकलेगा। एग्जाम सिटी जो है आप 10 दिन पहले देख सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड जो जारी होगा आपका 4 दिन पहले होगा। लेकिन जैसे ही आप पेपर दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, 2018 में जो पेपर हुआ तो उसमें साइंस का जो पोर्शन था बहुत ज़्यादा था, यानी 25 प्लस साइंस था। 25 तो साइंस दिया था, उसके बाद भी साइंस का प्रश्न बहुत ज़्यादा था और करंट अफेयर्स का प्रश्न बहुत ज़्यादा था। यानी करंट अफेयर्स और साइंस, ये सारे प्रश्न मिलाकर समझ लीजिए 30-35 प्रश्न आपका था। तो इस बार का भी जो सिलेबस है सिर्फ वहीं रहने वाला है। देखिए, इसमें हम सिलेबस के बारे में बता रहे हैं क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए, जो साइंस का पोर्शन है वो 25, यानी कि 25 साइंस रहेगा, 25 GK रहेगा, 25 रीजनिंग रहेगा और 25 मैथ रहेगा। तो ये रहा सिलेबस। आपको जो फोकस करना है साइंस, रीजनिंग, मैथ, इन तीनों पर फोकस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस पोर्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक जरूरी सूचना आपको बता दे रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ CBT 1 होगा, CBT 2 नहीं होगा। CBT 1 में आप क्वालिफाई हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, CBT 2 आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसका जो एग्ज़ाम है सिर्फ एक ही होगा, आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही अपडेट जैसे ही आएगा हम आपको बीच में बताते रहेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का क्या अपडेट है। एग्ज़ाम जो होगा अगस्त में होगा, कन्फर्म रहिए। तो तैयारी आप जारी रखिए। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आपको तैयारियाँ कराएंगे रेलवे ग्रुप डी का, यानी साथ ही हम अन्य कंपटीशन की भी तैयारियाँ कराते हैं। तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है देखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।